दार्शनिक आचार्य समंत भद्र स्वामी की वह कारिका, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसुरु जायाम चन प्रतिकारे धर्मायतन विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। समाधि मरण और जिसे वैदिक संस्कृति में संन्यास मरण आदि के नाम से जाना जाता है, भारतीय संस्कृति कि मैंने कई बार चर्चा की है, जो भारतीय लोगों को जीवन में जीने की कला, मृत्यु कला आती है, वो अन्यत्र संभव नहीं। बैरिस्टर चंपत राय जब अस्वस्थ हो गए, विदेश ले गए, उन्होंने कहा मुझे भारत ले चलो। अरे दुनिया तो पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, तरसती है यहां। उन्होंने कहा यहाँ के लोगों को मरना नहीं आता है, मरने की कला तो केवल सीखना है तो भारतवासियों के पास है। उपसर्ग कोई आ जाए, दुर्भिक्ष जैसी स्थिति बने, बुढ़ापा जब सूचना देता है हम आ रहे हैं, या जिस रोग का कोई उपाय नहीं है, धर्माय तन विमोचन, धर्म की रक्षा के लिए साधु संत जहां समाधि मरण आदि व्याधि उपाधि से रहित अवस्था को समाधि बोलते हैं। बंधुओं, चंपत राय जी ने यहीं आकर के तन का त्याग किया। संत विनोबा भावे की, जिन्हें देश की प्रधानमंत्री भूतपूर्व इंदिरा गांधी औषधि के लिए पहुंची तो उन्होंने कहा मैडम ये मेरा विषय है, इस विषय में मैं आपकी नहीं मान सकता हूं। और भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव से संत विनोबा जी की अगर आपने लेख पढ़ा हो तो उन्होंने समाधि मण का बहुत सुंदर संपादकों ने अपने अपने लेखनी चर्चा की। समाधि मरण का अपना महत्व है और मुझे लगता है प्राचार्य जी की कोई भी स्थिति रही हो लेकिन समाधि मरण से वह कम नहीं रहा। जैसा कि अभी सत्यनी बात की और उनके परिवार के लोग भी जब मेरे पास 6:15 बजे में सामायिक कर रहा था, मुझे जब ज्ञात हुआ कि प्राचार्य जी का स्वास्थ्य खराब है तो मेरे मन में भावना थी अगर कोई भी थोड़ा सा हो तो हम लोग भी उनकी परिचर्या सेवा कर सकें। आप कहेंगे क्या मुनि महाराज की विद्वानी चर्या कर सकते हैं? और जब भगवती आराधना में आप देखें तो जिस गुरु ने अपने शिष्य को दीक्षा दी है और दीक्षार्थी ने कोई ग्रस्त व्यक्ति भी समाधि पूर्व मरण करता है तो हम उनकी सेवा करके और अपने जीवन को सफल सार्थक शुभोपयोग से शुद्धोपयोग के साथ साथ केवल ज्ञान की प्राप्ति में यह समाधि मरण के नंबर जोड़े जाते हैं। और सम्यक दृष्टि ही जीव समाधि पूर्व मरण करने वाला, सम्यक दर्शन होने के बाद तो 7-8 भव लग सकते हैं और समाधि सम्यक दर्शन होने के बाद तो अर्ध पुनर्पावर्तन लंबा समय लग सकता है, और समाधि पूर्व मरण करने वाला 1-2 भव या फिर 7-8 भव के अंदर नियम से मोक्ष प्राप्त करता ही है। बड़ा महत्व हमारे यहां समाधि मरण का बताया है। जरा सा उनको, मैं पिछले बार फिरोजाबाद था, स्वास्थ्य खराब था, मेरे पास वो आए थे और शास्त्रीय परिषद के अखिल भारतवर्षीय शास्त्रीय परिषद के वे अनेकों बार अध्यक्ष रहे, विद्युत परिषद के रहे और जो शास्त्रीय परिषद का
प्रशिक्षण शिविर लगता, उसके माध्यम से वे प्रमुख वक्ता और प्रमुख उन नए विद्वानों को प्रवचन कला सीखने के लिए बहुत तरह के नए नए पॉइंट देते थे, और जो भी उनकी क्लास होती थी उसमें वे अपना अनेकों बार, और मेरे प्रति तो उनका शुरू से बहुत ज़्यादा, क्योंकि विद्वानों के प्रति मेरा वो रहा है। खैर, प्राचार्य जी बहुत विशेषता बताने का टाइम नहीं है अभी, समय घड़ी बहुत तेज गति से दौड़ रही है, लेकिन प्राचार्य नृपगाज जी ने जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ अन्न पानी का भी त्याग कर दिया, मौन ले लिया, और अंतिम समय एक मुनि महाराज के पास आकर के और अंतिम क्षण संबोधन मिलना कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। मैं तो चाह रहा था कि जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है, या तो कोई छपक जो समाधि करने वाला बोले, या कोई परिवार का व्यक्ति कहे, फिर तो हम लोग हर तरह की चीज़। खैर, जैसे ही मुझे 6:15 बताया प्राचार्य नंद प्रकाश जी, और भी आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपका संबोधन आशीर्वाद, तो मेरा तो समाधि मरण करने वालों के लिए बहुत उत्साह रहता है। मुझे काफ़ी मुनियों की, आर्यिकाओं की, और एक ऐसी ब्रह्मचारिणी जिसे हमने आर्यिका दीक्षा दी, आर्यिका समाधिमती नाम रखा, सुशीला बाई, वह वहाँ हस्तिनापुर में साधना करती थी, और पूरे 12 वर्ष उत्कर्ष साधना, 12 वर्ष की जगन्नाथ साधना अंतर्मुहूर्त, 12 वर्ष जिस दिन पूरे हुए हम लोग संकोच में थे कि बुढ़िया कहीं ऐसा नहीं हो आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और कल पानी फानी नहीं ले, लेकिन जिस दिन पूरे 12 वर्ष हुए उसने उस दिन जल का त्याग करके और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया। समाधि मरण की बहुत तरह की विशेषता हुआ करती हैं, और समाधि करने वाला जिससे छपक शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना के अनुसार मूलाचार, और सरकीर्ति का मूलाचार प्रदीप के अनुसार, और एक वह कई ग्रंथ हैं जो अनागार धर्मामृत है उन ग्रंथों में, तो समाधि पूर्वक मरण, क्योंकि अंतिम समय जब भी यहाँ पर आए और मैंने उनकी अवस्था देखी, और वह गाथा मैंने समय सार की गाथा से प्रारंभ किया था, जो अहमिक को खल सुद्धो, तो निश्चित जिनवाणी की सेवा, उनके जीवन की बहुत तरह की विशेषताओं की बात आपने सुनी, लेकिन और वह चर्या यद्यप साधु प्रति आस्था थी, लेकिन शिथिल चर्या के प्रति उनका कोई भी समर्पण नहीं था, और जो बात कहनी सामने कहते थे, चाहे मुनि महाराज हों और चाहे कोई भी हो, यह चीज़ मुझे आपकी पसंद नहीं है। मैंने तो उन्हें कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया कि जिससे उन्हें मौका मिले, लेकिन वह क्षुल्लक अवस्था की चर्या से भी बड़े प्रभावित थे। मुगावली शास्त्रीय परिषद का अधिवेशन हुआ, ये शायद 84-85 के आसपास की बात हुई, मैं तो क्षुल्लक था, विद्वानों के प्रति तो अनुराग था, लेकिन उनकी भावना सबकी थी कोई उपाधि से भूषित करें, मैंने की हमें कोई उपाधि नहीं चाहिए, हम तो उपाधि केवल ज्ञान की अगर आप दे सको तो दो, अन्यथा हम आपकी कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। अखिल भारतवर्षी शास्त्रीय परिषद का अधिवेशन था, काफ़ी संख्या में विद्वान थे, तो निश्चित प्राचार्य जी का जनवाणी के प्रति कुशल लेखक संपादन और उनकी सरलता, उनकी निरीह वृत्ति, निर्लोभता आज के विद्वानों के लिए अनुकरणीय है। वे किसी के सामने झुकते नहीं थे, बहुत तरह की बातें आपने सुनी, जो बात कहना है दमंगता के साथ, लेकिन उनकी बात कहने का तरीका ऐसा था कि किसी व्यक्ति को बुरी लगती नहीं थी। निश्चित हम सब भावना भाते हैं, गति मुझे तो 101% देव गति में जाकर के और कृत्रिम जनालयों के दर्शन, जिसने जिन भर पूरे जीवन भर जिनवाणी की सेवा की हो, अंतिम समय में सारी चीजों का त्याग कर दे, और वीरसेन स्वामी धवलाकार कहते हैं अंतिम समय में इणमोकार मंत्र भी कान में सुनने मिल जाए
उससे बढ़ के कोई पुण्यशाली नहीं है। और एक महावती के द्वारा अंतिम समय संबोधन मिल जाए, मुझे लगता है इससे बढ़ के साथ कोई पुण्यशाली नहीं होगा। तो निश्चित हम भी यह भावना भाएं, क्योंकि ग्रस्त लोग भी समाधि पूर्वक, मुनि महाराज तो करते ही हैं, सामान्य ग्रस्त भी समाधि पूर्वक मरण करके और अपनी नारी नारी पर्याय को, पुरुष अपने पुरुष पर्याय को, तो मृत्यु की कला हम सब सीखें। और प्रत्येक क्षण यह भावना भाएं, दुख खाओ दुखों का क्षय हो, कम्मक खाओ कर्मों का क्षय हो, बो ही लाओ बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम अच्छी गति प्राप्त हो, समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। यह तन परमात्मा का स्मरण, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए तन का त्याग हो, तो समाधि पूर्वक हम सबका मरण हो। और साधु संग में अगर समरण होता है तो निश्चित वे पुण्यशाली कहलाएंगे। ऐसे राचा जी की समाज में क्षति हुई, वे यद्य पद्मावती पुरवाल समाज से थी तो समाज व्यवस्था है, लेकिन वो पूरे विद्युत समाज के लिए एक कुशल आदर्श जहाँ थे, तो पूरी जैन समाज नहीं पूरे देश और राष्ट्र के लिए उनकी आदर्श अनुकरणीय है। हम भी उनके पद चिन्हों पर चलें और उनकी आत्मा को शांति, उनके परिवार वाले भी उनके पद चिन्हों पर चलें, ये पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म। बंधुओं, आचार्य शुभचंद स्वामी का ज्ञानार्थ बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, और विशेष रूप से आज मेडिटेशन को लेके केवल भारत में नहीं विदेशों में भी आज ध्यान का बड़ा महत्व है। बड़े बड़े शिविर क्लास कार्यशालाएं देश विदेश में चल रही हैं। हमारी इस भारतीय संस्कृति में ध्यान का बहुत महत्व है, और जैन धर्म तो ध्यान पर ही टिका हुआ है। जन सामान्य की आज शिकायत है, हमारा मन बहुत चंचल रहता है, मन एकाग्र नहीं रह पाता है। मन की एकाग्रता के लिए बहुत तरह की साधना, अपेक्षित है। और उस ज्ञानार्णव ग्रंथ में जब ध्यान की बात चली तो उसको लेके कारिका, बहुत प्रसिद्ध कारिका है, ख पुष्पमथवा श्रृंगम खरस्यापि प्रतीयते न पुनर् दैश कालेपि ध्यान सिद्धि ग्रहाश्रये। ध्यान का पात्र बता रहे, और यहां जो ध्यान की बात कर रहे हैं, सामान्य ध्यान तो ग्रस्तों के भी होता है, लेकिन विशिष्ट जो ध्यान है उसकी यहां बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा आकाश के पुष्प गधे के सींग नहीं होते हैं, कदाचित किसी देश काल में उस गधे के सींग भी हो जाएं, आकाश में पुष्प हो सकते हैं, परंतु ग्रस्त
गृहस्थ आश्रम में ध्यान की सिद्धि किसी भी काल किसी भी देश में संभव नहीं। आप कहेंगे जब गृहस्थ जीवन में ध्यान संभव नहीं है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें ध्यान का? हमारे आचार्य भगवंतों ने बड़ा उपकार किया है और उन्होंने कहा है गृहस्थ के ध्यान तो हो सकता है, विशेष रूप से तो आर्द्र ध्यान की मैंने विगत दिनों में चर्चा की, लेकिन सामान्य धर्म ध्यान हो सकता है। विशिष्ट जो ध्यान है शुद्धोपयोग रूप जो ध्यान है वह ध्यान संभव नहीं है। यह उद्देश्य आचार्य शुभचंद स्वामी का ज्ञानार्जन है। बंधु सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने बहुत तरह के श्रावकाचार की रचनाएं की और वे मुनि महाराज पूर्ण पापों का त्यागी, जैसा कि छेढ़ालाकार के शब्द हैं, षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा तरी, पूर्ण पाप के त्यागी निरंतर 607 क्लास में छठवीं और सातवीं गुण स्थान में निरंतर विचरण करते रहते। वर्तमान में यहां से तो नहीं, विदेश क्षेत्र में छपक श्रेणी मार करके मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन पारिवारिक जीवन में रहते हुए सदगस्त अवस्था में आंशिक पापों का त्याग करते हुए स्थूल रूप से हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, ये पांच पाप इनका कुछ अंशों में त्याग करते हुए वे भी अपने जीवन में आत्मा की महिमा